नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चार सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न। बेलागंज में सबसे अधिक वोट डाले गए, इमामगंज में सबसे कम मतदान। दिसंबर से लागू होगी नई योजना, शिक्षकों को मिलेगा मासिक पुरस्कार। उत्कृष्ट शिक्षण कार्य पर मिलेंगे पुरस्कार। पंडित नेहरू की जयंती पर बाल दिवस उत्सव। बाल दिवस और बच्चों के अधिकार, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता। बीपीएससी ने TRE 3.0 के तहत जारी किया संशोधित वैकेंसी। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्तियां, रिक्तियों की संख्या घटी और आरक्षण भी। बिहार में आईटी क्षेत्र में निवेश, 25 कंपनियों ने निवेश की दिखाई रुचि। 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश की उम्मीद। पटना गांधी मैदान में होगा पुष्पा 2 ट्रेलर लॉन्च। पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च 17 नवंबर को। बिहार में बढ़ी दक्षिण फिल्मों की रुचि। वोटर लिस्ट में ऐसे नाम कर रहे चेक। वोटर लिस्ट की जानकारी अब ऑनलाइन। कुछ स्टेप्स में पता करें आपका नाम है या नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC ने अपनी अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों के लिए है, जिनमें कुल 2236 रिक्त पद हैं। आवेदन NAPS पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in और NATS पोर्टल natas.education.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम चयन किया जाएगा। स्टाइपेंड पदानुसार 7000 रुपए से 9000 रुपए तक होगा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर तरारी। बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में बीते दिन बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। 4 सीटों पर कुल 52.84% वोटिंग हुई। सबसे अधिक मतदान बेलागंज में 56.21% हुआ, जबकि इमामगंज में 51.01% दर्ज किया गया। वहीं तरारी में 50.10% और रामगढ़ में 54.02% वोटिंग हुई। 4 सीटों पर कुल 38 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनके भाग्य का फैसला बीते दिन EVM में बंद हो गया, जिनमें प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज भी पहली बार मैदान में थी। इन 4 सीटों में से 3 पर पिछली बार महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीता था, और जबकि इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विधायक थे। चारों ही सीटों पर पूर्व CM मांझी समेत कई वरिष्ठ नेता के बेटा बहू मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं इमामगंज में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिसंबर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए हर महीने पुरस्कार दिए जाएंगे। यह योजना प्रदेश के सभी प्रखंडों के एक एक उत्कृष्ट शिक्षक को सम्मानित करने का लक्ष्य रखती है। नवंबर माह के शिक्षण कार्य की उपलब्धियों के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शिक्षक प्रधानाध्यापक को 10 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद हर महीने के 10 तारीख तक पिछले माह के प्रदर्शन के आधार पर डेटा पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है और उन्हें इस योजना के बारे में शिक्षकों को पूरी जानकारी देने और उन्हें आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश भी दिया है। आज देश भर में बाल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी खुशियों को संवारने के लिए जागरूकता फैलाने का दिन है। पंडित नेहरू का मानना था कि बच्चों को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे राष्ट्र की बेहतरी में योगदान कर सकें। बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बाल श्रम, शिक्षा की कमी और अन्य समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करना है। यह दिन बच्चों के अधिकारों के प्रति जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रोहिणी भाटे की। रोहिणी भाटे का जन्म आज के ही दिन 14 नवंबर 1924 को बिहार के पटना में हुआ था। वह भारत की एक प्रमुख कथक नृत्यांगना, शिक्षिका और शोधकर्ता थी। उन्होंने जयपुर और लखनऊ घराने से कथक की शिक्षा ली और 1947 में पुणे में नित्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की। भाटे ने सैकड़ों नर्तकियों को प्रशिक्षित किया और महाराष्ट्र में कथक को लोकप्रिय बनाया। उनकी कोरियोग्राफी जैसे कालिदास के ऋतु
कहार और ऋग्वेद से उषा सूक्त बहुत प्रशंसा प्राप्त की हुए एक पुस्तक लेखिका भी थी और उनकी आत्मकथा माझी नृत्य साधना महत्वपूर्ण है। 1977 में महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार और 2001 में कालिदास सम्मान सहित कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। उनका निधन 2008 में हुआ था। बीपीएससी द्वारा TRE 3.0 के तहत एक बार फिर से शिक्षकों की बंपर बहाली करने जा रहा है, जिसके लिए बीते दिन पूर्व में जारी नोटिफिकेशन का संशोधित लिस्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग और SC ST कल्याण विभाग के तहत कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्तियों की संशोधित श्रेणीवार संख्या जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत स्कूल शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा TRE 3.0 के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर विस्तृत सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि नई वैकेंसी में अनारक्षित श्रेणी के पदों में वृद्धि और महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिला है। हालांकि कुल पदों में कमी आई है, कक्षा 1 से 5 के लिए 25,505 पद और कक्षा 6 से 8 के लिए 18,273 पद निर्धारित किए गए हैं। यह संशोधित सूची पहले की 65% आरक्षण नीति के बजाय 50% आरक्षण नीति पर आधारित है। फिलहाल आरक्षण बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। QR कोड, जिसे हम आज हर जगह देखते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। QR कोड, जिसका पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड है, एक डिजिटल तकनीक है जिसे 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेव ने विकसित किया था। यह कोड खास तौर पर तेजी से जानकारी को स्कैन और एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। QR कोड 2D कोड होता है जो डेटा को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीकों से स्टोर करता है। स्मार्टफोन कैमरे या QR स्कैनिंग ऐप के माध्यम से इसे आसानी से स्कैन किया जा सकता है। इसमें URL, टेक्स्ट, ईमेल, फोन नंबर और डिजिटल पेमेंट के लिए बैंक जानकारी जैसी जानकारी शामिल होती है। बिहार को पटना और गया के बाद तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, जो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बनेगा। इस नए एयरपोर्ट का नाम अजगैवी नाथ के नाम पर रखा जा सकता है। बिहार सरकार ने सिविल विमानन निदेशालय को एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 946.4 एकड़ भूमि का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 855 एकड़ भूमि एयरपोर्ट के लिए और शेष अप्रोच रोड के लिए होगी। नया एयरपोर्ट 4000 मीटर लंबा और 740 मीटर चौड़ा रनवे प्रदान करेगा। यह एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद जारी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पर बयान दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग नीति शिक्षक संघ से विचार विमर्श के बाद लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति में कोई भी व्यक्ति 100% खुश नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकांश शिक्षक इससे सहमत हैं। महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग अलग नियम है और पति पत्नी को चॉइस पोस्टिंग दी जाएगी। मंत्री ने नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी बात की और कहा कि वे जल्द ही सरकारी सेवक बन जाएंगे। ट्रांसफर में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय SME परिषद की बैठक में बिहार में IT क्षेत्र में निवेश करने के लिए 25 से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखाई है। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बैठक में राज्य की IT नीति और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। बिहार में इस वर्ष 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। बिहार में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और मजबूत IT इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर 17 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लॉन्च होगा। इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। ट्रेलर लॉन्चिंग में बड़ी संख्या में दर्शकों की उम्मीद है। अल्लू अर्जुन ने इस सूचना को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है, जबकि टी सीरीज ने भी इसे सार्वजनिक किया है। बिहार में दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की रुचि बढ़ी है, खासकर फिल्म नीति के बाद, जिससे यहाँ के फिल्म प्रेमियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपका नाम वोटर लिस्ट में था, इस बार नाम है या नहीं, तो आप घर बैठे बहुत आसानी से यह चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाना होगा। वहां आपको सर्च बॉक्स में अपनी जानकारी जैसे नाम, पिता या पति का नाम, उम्र या राज्य, जिला आदि डालकर या अपना मतदाता पहचान पत्र नंबर दर्ज करके आसानी से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर वोटर कार्ड से लिंक है तो नंबर दर्ज करके भी चेक कर सकते हैं। जानकारी दर्ज करने के बाद सर्च पर
क्लिक करें तो आपको नीचे जानकारी दिख जाएगी। अब UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। NCPI ने डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे बिना बैंक अकाउंट के भी UPI अकाउंट बनाया जा सकता है। अकाउंट बनाने के लिए UPI पेमेंट ऐप में ऐड फैमिली एंड फ्रेंड विकल्प पर क्लिक करें और सेकेंडरी UPI ID जोड़ें। सेकेंडरी अकाउंट की पेमेंट लिमिट और अप्रूवल सेट करें। सेकेंडरी यूज़र को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसके बाद वह UPI अकाउंट से लेन देन कर सकेगा। निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई में नालंदा के सिला प्रखंड के BCO यानी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। BCO ने पैक्स चुनाव के मतदाता सूची में 14 फर्जी नाम काटने के बदले 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पैक्स अध्यक्ष अमन कुमार निक्कू ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की, जिसके बाद जाँच में रिश्वत की मांग सही पाई गई। बिहार शरीफ के 17 नंबर मोड़ पर BCO लग्जरी कार से रुपये लेने पहुंचे थे, जहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई से निगरानी विभाग को बड़ी सफलता मिली है। बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को राज्य भर में होगी, जिसके लिए एडमिट कार्ड 9 दिसंबर 2024 को जारी होंगे। उम्मीदवार इन कार्ड्स को पटना सिविल कोर्ट की वेबसाइट patna.dcourts.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड डाक से नहीं भेजे जाएंगे। 2022 में सिविल कोर्ट ने 7692 पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें से 3325 पद क्लर्क के थे। चयन प्रक्रिया में प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 4 के तहत 25,500 से लेकर 81,100 रुपये का वेतन मिलेगा। बिहार में फिलहाल अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क है, लेकिन कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की धीमी गति के कारण कड़ाके की सर्दी नहीं है, लेकिन जैसे ही हवाएं तेज होंगी ठंडक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 नवंबर तक बिहार के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि कई इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। प्रभावित क्षेत्रों में मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, सहरसा और समस्तीपुर जैसे जिले शामिल हैं। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के दौरान बड़ौरा चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने एक मिनी तेल टैंकर से 2,141 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। यह शराब यूपी से आई थी और इसे तस्करी के लिए लाया गया था। पुलिस ने दो व्यक्तियों उमाशंकर पांडे और दयाशंकर पांडे को गिरफ्तार किया। दोनों बक्सर जिले के निवासी हैं। यह कार्रवाई रामगढ़ विधानसभा सीट पर हो रहे मतदान के दौरान चेक पोस्ट पर की जा रही थी और इसी बीच वाहन जाँच के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस मामले की आगे जाँच कर रही है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को 50 लाख की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को भोजपुर जिले के कटरिया गांव से पकड़ा गया और पटना लाया गया। अक्षरा सिंह के पिता ने मामले में दानापुर थाने में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि फोन करने वाले ने गाली गलौज करते हुए रंगदारी की मांग की और 2 दिन के भीतर पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। पटना से पूर्णिया तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का नया अलाइनमेंट तय किया गया है, जिससे इसकी लंबाई 250 किलोमीटर से बढ़ाकर 282 किलोमीटर तक कर दी गई है। इस एक्सप्रेसवे से सहरसा के लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। यह एक्सप्रेसवे सोन वर्षा कचहरी हरिपुर गांव के दक्षिण से होकर गुजरते हुए दिघवारा, हाजीपुर, छपरा, रोसरा और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से सहरसा होते हुए पूर्णिया के डगरुआ में समाप्त होगा। इसमें 17 बड़े ब्रिज, 11 रेलवे ओवरब्रिज और कई छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवागमन में समय की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बुधवार को दरभंगा में 12,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने दरभंगा एम्स की नींव रखी, जो शोभन बाईपास पर 187 एकड़ में बनेगा और 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया और 389 करोड़ रुपये की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का लोकार्पण भी किया। सभा में पीएम मोदी भावुक होते हुए बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने शारदा सिन्हा के गीतों के माध्यम से छठ पूजा की महिमा को वैश्विक स्तर पर फैलाने की भी सराहना की।
तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दरभंगा में एम्स का शिलान्यास पहले ही हो चुका था और वह जमीन देने का काम उनके नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने दावा किया कि सरकार बदलने के बाद दरभंगा में एम्स के निर्माण के लिए भूमि दी गई और इसका सबूत वो दिखा सकते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के कारण एम्स के निर्माण में देरी हुई। उन्होंने बताया कि पहले स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया को इस संबंध में कई बार पत्र भेजे गए थे। बता दें कि बीते दिन पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए बिहार दौरे पर आए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की और इससे दो दिन पहले उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा के पैर भी छूने की कोशिश की थी। इस पर आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की इज्जत को गिरवी मत रखिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि नीतीश पीएम मोदी का सम्मान करते हैं और इसे मीडिया द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने इसे संस्कृति का हिस्सा बताया। वनडे रैंकिंग में भारत के कुलदीप यादव चौथे, जसप्रीत बुमराह छठे और मोहम्मद सिराज सातवें नंबर पर हैं। वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए वनडे रैंकिंग में नंबर एक की पोजीशन फिर से हासिल की है। उन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लेकर रैंकिंग में 3 स्थान की छलांग लगाई है। शाहीन के साथ साथ उनके साथी हारिस रऊफ ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 14 पायदान की छलांग लगाकर 13वें नंबर पर पहुंचे हैं। शाहीन की वापसी ने पाकिस्तान को बैटिंग और बॉलिंग दोनों में रैंकिंग में टॉप पर दिया है, जबकि बाबर आजम बैटिंग में नंबर 1 पर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अलग रियासत बनने की घोषणा की। 2006 में भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जताई। 1993 में विकास ठाकुर लुधियाना पंजाब से आने वाले भारतीय भारोत्तोलक का जन्म हुआ था। 1889 में जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2021 में सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत भाषा के विद्वान एवं महत्वपूर्ण मनीषी रचनाकार का निधन हुआ था। 1967 में सीके नायडू भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान का निधन हुआ था। आज भी के दिन बाल दिवस, राष्ट्रीय पुस्तक दिवस सप्ताह और विश्व मधुमेह दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पटना स्थित दरभंगा हाउस की। दरभंगा हाउस जो पटना में गंगा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक और आलिशान इमारत है। दरभंगा हाउस गंगा के किनारे स्थित है और वर्तमान में पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत अर्थशास्त्र, इतिहास, हिंदी और संस्कृत की कक्षाओं के लिए एक कॉलेज के रूप में कार्य कर रहा है। यह इमारत दरभंगा के महाराज के निजी इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। यहाँ काली मंदिर भी स्थित है जो परिसर में भीड़ का कारण बनता है। यह इमारत एक शानदार ऐतिहासिक संरचना है जो पटना के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएँ। हमारा पहला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? ऑप्शन ए महमूद गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जगत नारायण लाल, ऑप्शन डी मजहरुल हक। इसका सही उत्तर है डी मजहरुल हक। आज का तीसरा सवाल है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1906 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1905 में, ऑप्शन डी 1903 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1906 में। आज का चौथा सवाल है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आज का पांचवा और आखिरी सवाल है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी रवांडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रवांडा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब है कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोतीलाल कुमार, मुन्ना प्रसाद, छोटू राजा, अब्दुल मनन, नुन्नू कुमार गोलू, वेद प्रकाश, खुशी शर्मा, घनश्याम कुमार, संजीव कुमार और धीरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार सरकार को किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।